अरे करनाल 200 रुपए, करनाल करनाल 200 रुपए सर, करनाल 200 रुपए, ओनली 200 रुपीज। मनोज सर, साकिब 11th बी, अंजनी सर 2016 बैच। अरे वाह बहुत बढ़िया, तो काफी बड़े हो गए बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ सर, पर आप ये टैक्सी वगैरह का काम क्यों करने लगे? ये तो गवर्नमेंट जॉब थी ना? हाँ बेटा गवर्नमेंट जॉब है, वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी बहन रहती है करनाल, अब हरिद्वार उससे मिलने जाता हूँ, तो अब खाली गाड़ी में अकेले जाने से तो अच्छा है कि 2-3 लोगों को बिठा लेता हूँ, 600-700 रुपए बन जाते हैं। लेकिन सर 600-700 रुपए की आपको क्या जरूरत है, आप तो ऑलरेडी इतना अच्छा अर्न करते हो ना। कुछ रीजंस हैं साकेब उसके लिए। ऐसा क्या रीजन है सर? अंकल जी प्लीज पानीपत का ड्रॉप फेरवाइए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, बिल्कुल बस अभी चल रहे हैं। इसके कोई रीजंस हैं साकेब? थोड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में मिलोगे तो बात करेंगे। वैसे सर मैं भी ना चंडीगढ़ जा रहा हूँ, आप मेरे को करनाल ड्रॉप कर देना, मैं वहां से दूसरी कैब कर लूंगा, कहानी भी सुन लूंगा इस बीच। अरे गुड, मजा आएगा यार, चलो चलो चलो। हाँ जी सर बताइए क्या कहानी? कहानी बहुत सिंपल है साकेत, वो क्या है ना कि हर इतवार को मैं अपनी बहन से मिलने करना आ जाता, अब अकेला जाने के बजाय मैं अपने साथ 4 पैसेंजर भी बिठा लेता हूँ और हर पैसेंजर से लेता हूँ मैं 200, तो इस तरह करनाल पहुंचने तक मेरे पास 800 रुपए इकट्ठे हो जाते। फिर सर आप इन 800 रुपए का करते क्या है? साकेब एक नोटबुक आती है 40 रुपए की और मैं 10 नोटबुक ले, कितने हुए 400, बाकी हुए 400 में से मैं 200 रुपए की पेंसिल ले लेता हूँ और जो 200 रुपए बचते हैं उसका थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का सामान ले लेता हूँ, आफ्टरऑल मैथ्स का टीचर हुई। इन सर अब आप इस सब का करेंगे क्या? चलो आओ मेरे साथ। मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ अपने उस पैसे पे, इससे ना मेरा कोई पैसा लगता है ना मेहनत, और पढ़ने वाले छोटे छोटे गरीब बच्चों की मदद भी हो जाती है, और मुझे तो खाली गाड़ी का इससे अच्छा इस्तेमाल कोई और लगता नहीं। कमाल की बात है सर, आप इतना सोचते हो। शिक्षक हूँ भाई, वही हमारे देश का भविष्य है बच्चे साकेब, हर पढ़ने वाला बच्चा मेरा शिष्य है, अब में से जो थोड़ा बहुत हो पा रहा है मेरे पे मानना पड़ेगा सर, आपने जो ये तरीका निकाला ना ये है तो सबसे अलग, अगर आप जैसी सोच रखने वाले भी लोग आ जाए ना तो मुझे तो नहीं लगता इस देश में कोई कभी अनपढ़ भी रहे। हाँ वो तो है। चाय पियोगे? मैंने आज 20 रुपए बचाए। हाँ सर चलो